बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम स्प्लिट सर्फेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के लिए मैंने एक ब्लॉग यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ये ब्लॉग अगर आप चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप ओपन करके वहाँ से इस ब्लॉग को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इस ब्लॉग को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक करने के बाद हमारे पास ये जो कंपोजिट कर्व है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस कंपोजिट कर्व की मदद से एक स्प्लिट सरफेस बनाएंगे और उस स्प्लिट सरफेस की मदद से हम एक डाई ब्लॉक तैयार करेंगे। यानी कि इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि डाई ब्लॉक किस तरह तैयार किया जाता है। आप यहाँ से सरफेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से स्प्लिट के ऑप्शन जो है इसको आप चूज़ करेंगे। याद रहे कि इसके अंदर आप जो हमारा ब्लू एरो है इसको आप बाहर की तरफ रखेंगे और येलो एरो को आप ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ से आप ऑफसेट डिस्टेंस में 50 लिखकर एंटर करेंगे और रेडियली आउट की जगह आप अलाइन टू एक्सिस करेंगे। इसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्प्लिट सर्फेस जो कि हमारी वायर फ्रेम के मुताबिक थी और इसकी जो एक्सट्रूजन है ऑटोमेटिकली अलाइन टू एक्सिस है। अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए तो ये हमारे पास एक सरफेस क्रिएट हो गई जिसको हम स्प्लिट सरफेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है। रेक्टेंगल की प्लेसिंग डायमेंशन आप 0 स्पेस 0 एंटर करेंगे। उसके बाद आप इसकी एक्स के अंदर लेंथ 120 देंगे और वाई के अंदर लेंथ 120 देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप मूव सेलेक्ट करेंगे और वर्क प्लेन के सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारी जो रेक्टेंगल है वो इस वर्क पीस के सेंटर में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके के बटन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद हम इस रेक्टेंगल को, ये जो हमारी रेक्टेंगल है, इसको हम जेड के अंदर 60 मिलीमीटर नीचे लेके जाएंगे। तो इसके लिए फिर से मूव के ऑप्शन को चूज़ करें और यहाँ से आप -60 सेलेक्ट करके ओके करें, यस कर दें और कैंसिल कर दें। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं जो हमारा इसको मैं वायर फ्रेम मोड में ले आता हूँ। हमारी ये जो रेक्टेंगल है इसके कॉर्नर के ऊपर मैं शैम्फर लगाना चाहता हूँ। तो शैम्फर लगाने के लिए आप वायर फ्रेम के अंदर आएंगे और यहाँ से शैम्फर के ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। पहली लाइन आप ये चूज़ करेंगे और दूसरी लाइन आप ये चूज़ करेंगे। तो ऐसा करने से यहाँ पर शैम्फर लग गया। इसी तरह आप पहली लाइन ये चूज़ करेंगे और दूसरी लाइन ये चूज़ करेंगे। तो आपने चारों कोनों के ऊपर शैम्फर लगा दी। अगर आप इस शैम्फर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके शैम्फर के फॉर्म को ओपन करके यहाँ पर आप इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको 5 ही रखेंगे तो इसलिए मैं इसको ओके कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसको कंपोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट कर्व और इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इस कंपोजिट कर्व को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से एक्सट्रूजन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। एक्सट्रूजन आप इसमें 120 करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ यहाँ से आप प्लेन शेड ऑन करेंगे और एडिट के अंदर जाकर आप यहाँ से सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो हमारे पास स्प्लिट सरफेस है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली जो हमारी सरफेस ऊपर थी वो ट्रिम हो गई और साथ ही साथ इस सरफेस का जो हमारा एरिया बाहर था स्प्लिट सरफेस का वो भी ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया। तो इस तरह से हमने इजीली एक डाई ब्लॉक क्रिएट कर लिया। इसको आप कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद अब आपको ये वाला हिस्सा जो है ये इसमें आप अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो फिल करने के लिए आल्ट दबाकर आप इस एज को क्लिक करें। तो ये देख रहे हैं इस एज के ऊपर ऑटोमेटिकली ये कंपोजिट कर्व जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सरफेस के अंदर जाकर स्मार्ट सर्फेसर को सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिकली आप देखें यहाँ पर एक सरफेस ने इसको फिल कर दिया है। इसको ओके करें।
अब आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो एडिट के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और रिवर्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैं इस वाले होल को भी फिल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप इस कंपोजिट कर्व को सिलेक्ट करेंगे और फिर से स्मार्ट सर्फेसर के अंदर आएंगे। यहाँ से आप टेंजेंट टू सरफेस इसको अनचेक कर देंगे, तो ये देख सकते हैं आपके हमारा जो अंदर वाला एरिया, इंटरनल एरिया जो है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ से फिल हो गया है। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स कर दें, तो ये हमारा एक डाई ब्लॉक क्रिएट हो गया है। अब आपने जो पहले हिसाब ब्लैंक किया था उसको अनब्लैंक के लिए करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप अनब्लैंक के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा वो जो अनब्लैंक हिस्सा था उसके लिहाज से नीचे एक डाई ब्लॉक क्रिएट हो गया है। तो इस तरह आप इजीली कोई भी डाई ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट सरफेस। स्प्लिट सरफेस का डाई मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ऑलमोस्ट तमाम के तमाम जो हमारे डाई के पार्ट्स हैं वो हमारे स्प्लिट सरफेसेस की ही मदद से बनते हैं। तो ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।